हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका यादव। आज हम CMP का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो था हमने उसमें किया था टू डायमेंशनल ब्रेविस लेटिस, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल ब्रेविस लेटिस, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल ब्रेविस लेटिस में मैंने पहले बताया था कितनी होती है, थ्री डायमेंशन में 14 होती है। कितनी होती है टोटल? 14 होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन होती है वो क्या होती है आपकी? 7 होती है, ठीक है। बाद में क्या हो जाती हैं, इनके सब पार्ट्स होते हैं वो, या इनके टाइप्स बोल सकते हो, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं थ्री डायमेंशनल ब्रेविस लेटिस को, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले आप सिस्टम, ठीक है। ये कौन कौन सी आपकी है, वो टोटल सिस्टम में कितनी आएंगी? 7 आएंगी। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस, ठीक है। उसके बाद उसके लिए क्या सिंबल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और लास्ट में इधर आपके लेटिस पैरामीटर, ठीक है। लेटिस पैरामीटर किसको नाम दे रहे हैं हम? जो हमने पहले टू डायमेंशन में ए और बी दिखाए थे, बेसिस वेक्टर वो, और गामा जो इंटरफेशियल एंगल था, क्योंकि टू डायमेंशन के केस था तो वहाँ पे क्या थी, केवल दो ही बेसिस वेक्टर थे। या थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो कितने बेसिस वेक्टर आ जाएंगे? 3 बेसिस वेक्टर आ जाएंगे, और 3 ही क्या रहेंगे आपके? इंटरफेशियल एंगल रहेंगे, ठीक है। तो सिस्टम में सबसे पहली जो आपकी आती है वो आता है आपका क्यूबिक। सबसे पहले जो थ्री डायमेंशन ब्रेविस लेटिस है वो क्या है? क्यूबिक, ठीक है। अब इसमें कितनी टाइप आएगी? टोटल 14 आएगी। इधर कितने होंगे आपके सिस्टम? 7, और टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 14। इसके क्या हो जाएंगे? टाइप्स हैं। तो क्यूबिक के कितने टाइप है आपकी? क्यूबिक 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी सिंपल क्यूबिक, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी फेस सेंटर्ड, ठीक है। ये होते हैं आपकी सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है। इसके लिए सिंबल देखो, सिंपल क्यूबिक के लिए सिंबल जो यूज होता है वो होता है आपका पी, बॉडी सेंटर के लिए आई, फेस सेंटर के लिए एफ, ठीक है। अब इसके लेटेस्ट पैरामीटर, लेटेस्ट पैरामीटर कौन कौन से? बेसिस वेक्टर एक तो क्या होगा? ए, एक क्या होगा? बी, और एक क्या होगा? सी। आपको पता है क्यूबिक है मतलब क्यूब है, तो इसके तीनों ही बेसिस पैरामीटर्स या बेसिस वेक्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। साथ में जो इंटरफेशियल एंगल होंगे क्या? गामा, बीटा और क्या? अल्फा, ठीक है। अल्फा, बीटा और गामा आपके तीनों ही क्या होंगे? इक्वल। वो कितने? 90 डिग्री के, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट। तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई ना, 1, 2 और 3। क्यूबिक के 3 टाइप हो गए। कौन से? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट है वो करते हैं कौन सी आपकी? टेट्रागोनल। नेक्स्ट क्या है आपकी? टेट्रागोनल, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में भी कितनी हो जाएंगी आपकी? 2 टाइप। कौन सी होती है इसमें आपकी? एक होती है आपकी सिंपल टेट्रागोनल और एक होती है आपकी बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। सिंपल, सिंपल के लिए सिंबल क्या था? पी। बॉडी सेंटर्ड के लिए सिंबल क्या है? आई। वही टेट्रागोनल के लिए लेटिस पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे आपके? जो बेसिस वेक्टर्स हैं ए और बी, दो तो बेसिस वेक्टर इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा बेसिस वेक्टर इक्वल नहीं होगा। उसके बाद एंगल्स जो होंगे, इंटरफेशियल एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों इंटरफेशियल एंगल क्या रहेंगे? इक्वल, 90 डिग्री, ठीक है। हो गई। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड आती है आपकी ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट क्या आती है आपकी? ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में कितने टाइप हो जाते हैं आपके? 4 टाइप्स। कौन कौन सी? देखो, एक तो क्या हो जाएगी? सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद दूसरी बेस सेंटर्ड, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कौन सी? बॉडी सेंटर्ड। उससे नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी? फेस सेंटर्ड, ठीक है। सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और आपकी नेक्स्ट फेस सेंटर। सिंपल के लिए क्या यूज़ करते हो आप? सिंपल पी। बेस सेंटर के लिए क्या यूज़ करते हो? बी। बॉडी सेंटर के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? आई। और फेस सेंटर के लिए एफ,
ठीक है। लेटिस पैरामीटर देखो टाइप चाहे कोई भी हो, लेटिस पैरामीटर जो ऑर्थोरोम्बिक के हैं वो इसके भी वही रहेंगे, इसके भी सबके, ठीक है। लेटिस पैरामीटर चेंज नहीं होते। इनका मतलब क्या है, ये बेस सेंटर बॉडी सेंटर, इसका मतलब एटम्स की जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है वो इनके बारे में बताता है हमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसके लेटिस पैरामीटर्स क्या होंगे आपके, तीनों जो बेसिस फैक्टर्स हैं ए बी और सी तीनों ही इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेशियल एंगल्स आपके यहाँ पे भी क्या रहेंगे, तीनों के इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी, अब तक देखो कितने टाइप्स हो गई आपकी, 3, 5 और 4, 9, कितनी हो गई, 9 कर चुके हो, टोटल कितनी होती है 14, ठीक है। मेन 7 सिस्टम होते हैं, 3 हो गई हमारी। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है, के बाद हमारी नेक्स्ट है दैट इज मोनोक्लिनिक, नेक्स्ट 4th आ गई, क्या है मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब इसमें भी लिखोगे मोनोक्लिनिक में सिर्फ 2 टाइप होते हैं, कौन कौन सी होती है आपकी, एक सिंपल मोनोक्लिनिक और दूसरी होती है आपकी बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, ठीक है। सिंपल के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, पी, बेस सेंटर के लिए बी, ठीक है। अब इसके लैटिस पैरामीटर लिखेंगे, वही इसके भी तीनों बेसिस वेक्टर्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। उससे नेक्स्ट इसके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं अल्फा बीटा, 2 तो इंटरफेशियल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे 90 के, और तीसरा क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा 90 डिग्री, ठीक है। मोनोक्लिनिक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्राइक्लिनिक, नेक्स्ट क्या हो गया आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में आपकी सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी है आपकी, सिंपल ट्राइक्लिनिक, ठीक है। सिंपल ट्राइक्लिनिक, सिंपल के लिए क्या यूज़ करते हो, पी, तो इसके लेटेस्ट पैरामीटर क्या होंगे, कोई भी बेसिस वेक्टर क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एंगल्स भी तीनों, कोई भी एंगल इंटरफेशियल एंगल भी आपके क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे किसके, 90 डिग्री, ठीक है। ट्राइक्लिनिक हो गई। इससे नेक्स्ट जो हमारी है वो है आपकी हेक्सागोनल, क्या है, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल भी सिंपल में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, कौन सी आपकी, सिंपल हेक्सागोनल, ठीक है। सिंपल के लिए पी, लेटिस पैरामीटर क्या होंगे आपके, 2 वेक्टर्स बेसिस वेक्टर इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा। 2 एंगल इंटरफेशियल एंगल तो क्या होंगे आपके, 90 डिग्री के, लेकिन एक क्या होता है हेक्सागोनल में, 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट 7th आपकी क्या है, रोम्बोहेड्रल, क्या है आपकी, रोम्बोहेड्रल, या फिर इसका दूसरा नाम भी है आपकी ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी कौन सी होती है, सिर्फ सिंपल, सिंपल को पी से, इसके लेटेस्ट पैरामीटर कैसे लिखोगे, तीनों जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो इक्वल होते हैं, और जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन किसके इक्वल नहीं होंगे आपके, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। देखो आपकी टोटल कितनी हो गई, 14 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गई, और वो कितनी थी आपकी, 9 और 5, 14 हो गई, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखें, है ना, याद भी तो रखना है, कैसे याद रखोगे, देखो इसके लिए आप ये चीज़ याद रखो, क्या, इसको याद रखने के लिए ये याद रखो, क्यूट आवर मदर, देखो कैसे, कि इससे क्या क्या बन जाएगा, देखो ये फर्स्ट सी यू है ना, इससे क्या बन गया आपका, इससे बन गया आपका क्यूबिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका टी ई, इससे क्या बन जाएगा आपका, टेट्रागोनल, क्या बन गया, टेट्रागोनल, ठीक है। यहाँ पे देखो आवर, ओ यू आर, इससे आपका क्या बन जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक, क्या बन गया, ऑर्थोरोम्बिक। इसके बाद नेक्स्ट देखो एम ओ, इससे क्या बन गया आपका, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका टी, है ना, टी से आपका क्या बन जाएगा, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉरी एम ओ टी एच ई आर, है ना, मदर। तो नेक्स्ट क्या है ई एच ई, इससे क्या बन गया आपका, हेक्सागोनल बन गया,
और आर लास्ट में क्या बन गया आपका, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो क्यूट अवर मदर, सी यू से क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। टोटल मेन सात होती है। अब इनके पार्ट आ जाएंगे, क्यूबिक में आपकी क्या होती है, तीन होती है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। टेट्रागोनल में आपकी दो होती हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। उसके बाद ऑर्थो में चार होती हैं, मोनोक्लिनिक में सिर्फ दो होती हैं, ठीक है, हेक्सागोनल और ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल तीनों में सिर्फ एक एक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रेविसिस लेटिस इन थ्री डायमेंशन। हाँ, इन सब की फिगर्स आप खुद से बनाओगे। ठीक है, इनके क्या बनाने हैं, आपकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ब्रेविसिस लेटिस इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम वो स्टार्ट करते हैं, और वो है हम करेंगे कन्वेंशनल यूनिट सेल, किसकी नंबर वन बाई वन करेंगे, पहले सिंपल क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड और उसके बाद फेस सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सबसे पहला हम क्या करते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो सिंपल क्यूबिक आपने ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है ना। सिंपल क्यूबिक क्या होती है, एक ऐसी यूनिट्स है, देखो कैसी है, सबसे पहले बात क्यूबिक यूनिट सेल है ना, क्यूब है तो इसका मतलब उसकी साइड्स क्या हैं, सारी इक्वल हैं, मतलब उसके बेसिस वेक्टर्स सारे इक्वल हैं। साथ में जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो भी आपने पढ़ लिए कि क्यूबिक के केस में इंटरफेशियल एंगल्स कितने होते हैं आपके, कैसा होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो पहले सिंपल क्यूबिक, सिंपल का मतलब क्या है कि जो एटम्स जो होंगे आपके यूनिट सेल में, इसमें क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल लोगे उसके अंदर एटम्स कहाँ पे सिचुएटेड होंगे वो बताएगा सिंपल क्यूबिक, कि एटम्स कहाँ पे होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, क्योंकि एटम्स यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे, फेस पे या फिर बॉडी के सेंटर में। तो सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल बनाते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी एक सिंपल क्यूबिक, ये तीनों ये क्या कहलाती हैं आपकी, ये जो मैंने तीन एक्सिस ड्रॉ की हैं ये कहलाती है आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ये जैसे मान लो ये हो गई एक्स, ये वाई और ये जेड, ये क्या कहलाती हैं आपकी, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहलाती हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा, सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में मैंने क्या कहा, एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स, तो क्यूब के कॉर्नर कर लो। देखो एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, हो गया एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ, केवल कॉर्नर, सारे कॉर्नर कवर हो गए। तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक में एटम्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओनली ओनली एट कॉर्नर्स। ठीक है, अब ये क्यूब है तो क्यूब की क्या होगी, कोई ना कोई साइड की होगी, है ना, तो हर क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो ये जो साइड है इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम, क्या है, ए। ठीक है, ये जो क्यूब है इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए, यहाँ से यहाँ, तो ये भी कितनी होगी, ए, ये भी कितनी होगी, ए, इधर भी कितनी होगी, ए, इधर भी कितनी होगी, ए, सभी साइड्स, सारी साइड्स क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है इस यूनिट सेल में, ये क्या है, एक सिंगल यूनिट सेल है, तो एक एटम का कॉर्नर, क्योंकि देखो एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो अगर एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट हो, कॉर्नर्स पे, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है एक एटम का, टोटल एटम कितने हैं, एट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8। ठीक है, एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8। अगर आप बात करते हो फेस पे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका, अगर आप बात करो किसकी, फेस सेंटर्ड की, है ना, अगर एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट हो आपके, फेस पे प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/2। ठीक है, और अगर आप कहाँ पे बात कर रहे हो, सेंटर पे, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंप्लीट 1 होता है।
ठीक है, अगर एटम्स कॉर्नर पे हैं तो 1/8, फेस पे हैं तो 1/2, और अगर सेंटर में आधार कंट्रीब्यूशन 1 होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, किसके बारे में, सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है। तो क्या लिखोगे, इन दिस स्ट्रक्चर, पहले लिख लेते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, द यूनिट सेल हैज, द यूनिट सेल हैज एटम्स, कहाँ पे होते हैं, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितने एटम्स हैं, टोटल 8, तो लिखेंगे देयर आर 8 एटम्स लाइंग, ठीक है, एट द कॉर्नर्स, एट द कॉर्नर्स, एंड ईच एटम, और हर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना, 1/8 ऑफ इट्स इफेक्टिव पार्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर एटम कितने एटम से सराउंडेड होगा, 8 अलग एटम से सराउंडेड होगा, 8 अलग यूनिट सेल से सराउंडेड होगा। ठीक है, तो ये लिख दिया कि एक जो आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर्स के एटम्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है टोटल पार्ट का अपने का, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हो गया। अब हम निकालते हैं इसके अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, है ना। अब हम क्या निकालते हैं, पहली चीज़, चलो लिखते चलते हैं, पहली चीज़ हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकालते हो आप, क्या करते हो कि कितने एटम्स हैं, टोटल कितने एटम हैं, 8, कहाँ पे प्रेजेंट है, सारे कॉर्नर पे, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आए, 1। ठीक है, इसीलिए अब अगर 1 आ गए, ये आपने पढ़ा था कि अगर 1 होते हैं तो उसमें वो कौन सी होती है, आपकी प्रीमिटिव यूनिट सेल होती है, है ना। इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए, क्योंकि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो इसको स्टडी करना बहुत ही ईजी हो जाता है एज रेफरेंस टू एनी अदर यूनिट सेल। ठीक है, तो लिखेंगे दिस यूनिट सेल इज आल्सो नोन एज, दिस यूनिट सेल इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, क्यों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बिकॉज, क्योंकि आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड इट इज वेरी इजी, एंड इट इज वेरी इजी, क्या, टू अंडरस्टैंड, या फिर क्या बोल सकते हो, स्टडी दिस यूनिट सेल, दिस यूनिट सेल एज कंपैरिजन टू, एज कंपैरिजन टू अदर यूनिट सेल। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना क्या है, इजी है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा पॉइंट, कि अब हम क्या निकाल दें इसकी, वॉल्यूम। पहला हमने क्या पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, अब क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो अब सेल कैसी है, क्यूब, और क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, उसकी साइड्स का क्यूब, हमने साइड कितनी लेके चले, ए, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगी, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, ये तो हुई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल। दो टाइप की सेल पढ़ी थी हमने, प्रीमिटिव और
नॉन प्रीमिटिव है ना, ये पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल, ये तो ऑलरेडी प्रीमिटिव है क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट या एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, वन। अगर किसी में वन ना हो तो निकाली जाती है, तो वो कैसे निकालते हैं, वो निकाला जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो उस यूनिट सेल की वॉल्यूम है वो, डिवाइडेड बाय उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, डिवाइड किससे कर दो, उसके इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी, ए क्यूब। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आया, ए क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम थी वही वॉल्यूम किसकी थी, वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाह रहे हैं हम सिंपल क्यूबिक के लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपने एक यूनिट सेल ली, ठीक है, उसमें किसी भी एक, किसको उठा लो, एक रेफरेंस एटम को उठा लो, और उस रेफरेंस एटम से उसके नियरेस्ट नेबर में फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी एटम हैं वो क्या देंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे। देखो मैंने क्या कहा, आप क्या उठा लो, कोई एक रेफरेंस एटम उठा लो, उस रेफरेंस एटम के नेबर में, नियरेस्ट नेबर में जितने भी एटम्स हैं उस प्रॉपर फिक्स डिस्टेंस पे, उसको क्या कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। देखो जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी फिगर बना लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर में हमें क्या चाहिए, नियरेस्ट नेबर चाहिए आसपास की, तो हम फिगर को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशन व्यू के लिए तो क्या करते हैं, हम इस फिगर को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये इसके साइड वाली बना रहे हैं। ठीक है, जस्ट क्या कर रहे हैं, हम इसके साइड वाली फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। ये इसके साइड वाली दूसरी फिगर बनाई है। ठीक है, इसको इधर ऐसे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इस साइड भी होगा एक और यूनिट सेल है ना, इसी तरह से ये थोड़ी साइड वो हो गई, ये साइड सारी इक्वल होती है। ठीक है ना, ये ठीक है, ऐसे कुछ हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में सभी एटम्स कॉर्नर्स पे, तो सब कॉर्नर्स पे क्या कर दो, एटम्स लगा दो। एटम्स सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे, हर यूनिट सेल के कॉर्नर पे, है ना, ये सारे क्या हैं, कॉर्नर्स हैं यूनिट सेल के। ये एक यूनिट सेल इधर, एक यूनिट सेल इधर भी, एक इधर भी, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह होंगी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कोई एक आप क्या उठा लो, कोई रेफरेंस एटम उठा लो, है ना। अब हमने मान लो क्या उठाया, इसको रेफरेंस माना, ये मैंने क्या ले लिया, एक रेफरेंस एटम ले लिया। ठीक है, इस रेफरेंस एटम के देखो नियरेस्ट नेबर फिक्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, सबसे कम डिस्टेंस कितनी होगी, ए। इधर भी कितनी है, ए। इधर भी कितनी है, ए। अंदर की साइड ए, ऊपर गया ए, और कहीं है, देखो और कहाँ पे है, है कहीं पे। देखो जैसे ऊपर है तो सेम ऐसे ही क्या होगी, कहीं एक नीचे भी होगी, ए डिस्टेंस पे होगा ना कोई एक एटम यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो कितने हो गए, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर चूज करते हैं। देखो नियरेस्ट नेबर वन टू, इधर ऊपर गया थ्री, इधर आया फोर, इधर आया फाइव, ये ऊपर वाला तो चूज़ कर लिया, एक नीचे वाला करेंगे तो सिक्स। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सिक्स। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यही तो थी फिक्स डिस्टेंस से, और कोई नहीं होगा। देखो ये एटम भाई दो ये हो गए, है ना, दो ये अपोजिट, चार हो गए, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, तो टोटल को इफेक्टिव नंबर, सॉरी टोटल इसके नियरेस्ट नेबर कितने हुए, सिक्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, सिक्स। ये क्या है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, सिक्स। पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ही लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया, लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करता है आपका, रिप्रेजेंट
किसको रिप्रेजेंट करता है? द नंबर ऑफ क्या? नियरेस्ट नेबर सराउंडिंग किसको? ए रेफरेंस एटम ठीक है, विच आर एट किस पे हो आपके? फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, यही तो है कि भाई कोई एक रेफरेंस एटम उठाओ, उससे सभी क्या हो? नियरेस्ट डिस्टेंस पे और फिक्स डिस्टेंस पे हो, ठीक है। मैंने ये रेफरेंस एटम उठाया, आप ये उठा लेते, फिर इसको इधर एक्सटेंड करना पड़ता आगे, ठीक है, क्योंकि थ्री डायमेंशन लुक देना है आपको, थ्री डी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे लिखोगे आपने क्या निकाल लिया इसका? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया आपका? देखो टोटल कितने आए? 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने इस पेन से बनाए हैं, ठीक है, ये हो गए। अब देखते हैं एक बार सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर को भी, देखते हैं क्या देखते हैं इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देखते हैं, ठीक है। देखो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसके बाद जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस ए, ये ए, तो ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी आपकी? √2a। इसी तरह से इधर वाली आएगी, ये भी कितनी आएगी? √2a। इसी तरह से इधर वाली आएगी, कितनी आएगी? √2a। इधर वाली आएगी वो कितनी आएगी? √2a। सिर्फ यही तो आएंगी, तो कितनी आई? 1, 2, 3, 4, 4 एटम तो ये हो गए। अब थ्री डायमेंशन लुक है तो 4 ही इसके ऊपर होंगे, 4 ही इसके नीचे होंगे, तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो गया? 4 + 4 + 4, दैट इज आपका 12, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन से थे? ये वाला है ना, उसके बाद कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये चारों आपको, ये जो मैं दिखा रही हूँ इससे स्टार, 4 तो ये हो गए, और 4 ही इसके नीचे लाई करेंगे और 4 ही इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया आपका? सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 12, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी और इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी, ठीक है, इस फिगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसी का, सिंपल क्यूबिक का ही, वो आपका पॉइंट है इसकी एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एटॉमिक डेंसिटी रहने देते हैं, कोई छोड़ो, नेक्स्ट जो करते हैं हम, इसका जो मेन है वो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पैकिंग फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? देखो पैकिंग फ्रैक्शन बताता क्या है, सबसे पहली बात पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि आपके पास टोटल वॉल्यूम तो कितनी थी और एटम्स ने कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। क्या बताता है कि आपकी जो टोटल वॉल्यूम थी, ठीक है, मान लो आपको एक गिलास दिया गया, वो क्या है? टोटल वॉल्यूम है उस गिलास की, है ना, खाली गिलास है, तो कितनी वॉल्यूम, कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, उस गिलास को आधा भर दिया, ठीक है, तो टोटल तो थी मान लो उसकी 25 लीटर और आपने कितना डाला? 12 लीटर। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? वो जो स्पेस उन्होंने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, खाली वाला नहीं, सिर्फ। पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताता है कि आपने टोटल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम आपके एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, और कितना क्या है वहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। तो मतलब पैकिंग फ्रैक्शन हमें ऑब्वियसली क्या बताता है कि कोई भी स्ट्रक्चर कितनी क्लोजली पैक है या फिर वो लूजली पैक है। पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, मतलब एटम्स ने उतनी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा क्या होगी, फिगर क्लोजली पैक्ड होगी। पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा, फिगर क्या होगी आपकी, स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी, लूजली पैक्ड होगी, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है आपके? द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किससे? बाय द एटम्स इन ए यूनिट सेल,
एक यूनिट सेल में आपके एटम्स कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन हमें किसके बारे में बताता है, ये भी लिख देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन टेल्स अस अबाउट दैट द स्ट्रक्चर इज लूजली पैक्ड और क्लोजली पैक, ठीक है। ये हमें बताता है कि आपकी स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड है या फिर क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा तो क्लोजली पैक, पैकिंग फ्रैक्शन कम तो लूजली पैक। अब फॉर्मूला लिखते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपकी क्या होती है वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, जो एटम्स हैं उसकी सिंगल की वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो आप सबसे पहले निकाल चुके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपने निकाला था अभी अभी सिंपल, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट वही था, कितना आया था 1 आए थे मल्टीप्लाई बाय। अब क्या कहा है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम है ना, अगर कोई एटम है भाई, देखो आपने क्या बनाई थी फिगर, ऐसे बनाई थी कुछ, आपकी जो फिगर थी वो फिगर देख लेते हैं पहले, ये है देखो सिंपल क्यूबिक की, यही है ना, ये है। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये एटम्स है, यही है ना एटम्स, तो इसका मतलब देखो, ये तो हमने दिखाने के लिए इतनी डिस्टेंस दिखा दी, वैसे एटम्स आपके क्या होते हैं, बिल्कुल वैसे आपके एटम्स एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, क्या होते हैं आपके एटम्स कुछ ऐसा होता है, ये एक एटम आपके एक्चुअल में ऐसे होते हैं यूं अटैच्ड, ये दूसरा एटम सेम साइज के, ठीक है। तो इसका मतलब इस एटम की भी कोई क्या होगी, रेडियस होगी, डायमीटर ये डी, इसकी रेडियस क्या मान लो आर, तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी आर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर एटम की क्या होगी, कोई रेडियस होगी। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है आपकी ए, ठीक है, क्योंकि ये यही तो ये डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच की, दोनों एटम्स के टोटल डिस्टेंस है ना, ये क्या है आपकी ए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, सॉरी कौन सी वाली डिस्टेंस है आपकी, ये यहाँ से इन दोनों के रेडियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो है आपकी क्या है ए। देखो यहाँ से इसके सेंटर से या इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक की डिस्टेंस क्या है आपकी ए, तो दोनों के रेडियस से जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसका मतलब आपकी ये आर प्लस आर दैट इज टू आर किसके इक्वल है आपकी ए के इक्वल है, किसमें, सिंपल क्यूबिक में। तो मैं क्या बताना चाह रही थी कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, अब एटम क्या कैसे हैं यहाँ पे, कैसे एटम्स कंसिडर करते हो आप, स्फीयर, ठीक है, कैसे एटम्स हैं, स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है 4/3 pi और उसकी रेडियस, रेडियस क्या लेके चले हो आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 4/3 pi r³ हो गई, डिवाइडेड बाई नीचे क्या करना है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब सेल की साइड कितनी थी ए, तो वॉल्यूम कितनी आई थी आपकी ए क्यू, ठीक है। अब आपको आर और ए के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, वो आपने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि आर की वैल्यू कितनी आ गई ए बाई टू, यहाँ पे पुट कर दो 1 × 4/3 pi, आर की वैल्यू क्या है ए, ए बाई टू दैट इज ए क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या है फिर से आपका ए क्यूब, 8 से और 2 सा ए से ए क्यूब से ए क्यूब, आपकी वैल्यू क्या आई π/6, इसको जब सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 0.52, तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 0.52, ठीक है। ये तो हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्या निकालते हो आप, निकालते हो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, नेक्स्ट क्या है परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, उसमें क्या करते हो बस परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ऊपर वाला 100 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 52, 1/100 किसके लिए यूज होता है परसेंट के लिए, तो इसका मतलब आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया 52%, तो मतलब क्या है ऑलमोस्ट आधा भरा हुआ और आधा क्या है खाली, तो इसका मतलब आपकी जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो कैसी है आपकी लूजली पैक्ड, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है लूजली पैक्ड, लिखोगे हैंस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज लूजली पैक्ड,
लूजली पैक्ड। कैसे पता चला? क्योंकि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? कम है, ठीक है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? लूजली पैक्ड। आधा पोर्शन खाली और आधा क्या है? भरा हुआ है। तो कैसी है? वो लूज्ड है, लूजली पैक्ड है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आज हमने ब्रेविस इलेट्रिस इन थ्री डायमेंशन किया और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक है। तो इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।